बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दुरूद बहुजूर सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। जुमा मुबारक। मेरा कल्ब महवे दुरूद है, मेरी रूह महवे सलाम है, मेरी ज़िंदगी मेरी बंदगी शहीदो जहान के नाम है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। जो लोग अपने औकात को दुरूद शरीफ में मुस्तगरक रखते हैं उनके बदन को मट्टी नहीं खा सकती। सुभानअल्लाह। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि जिसकी कबूलियत के हवाले से कोई खदशा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि क़यामत के दिन मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुना माफ़ फरमाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सुभानअल्लाह। एक जगह आपने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। फिर कहा कि मेरे हौज़े कौसर पर कुछ गिरोह आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद पाक की वजह से पहचानता हूँ। सुभानअल्लाह। कितना खूबसूरत लम्हा होगा कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस वजह से पहचाने कि हमने उनके ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा होगा। तो ज़िंदगी की जितनी मोहलत मिली हुई है अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दे रखी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम जब हौज़े कौसर पर जाएँ इंशाअल्लाह ताला तो हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इम्तियाज़ी हैसियत से पहचाने इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा आमीन। जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े मैं क़यामत के रोज़ इसकी शिफात करूँगा, और जब तुम किसी चीज़ को भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, वो इंशाअल्लाह ताला याद आ जाएगी। जिसने अपनी ज़िंदगी में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े इसकी मौत के वक्त अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूकात से फरमाएंगे कि इस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ मांगो। सुभानअल्लाह। कितना खूबसूरत लम्हा होगा वो। और जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो कि हम जन्नत का रास्ता भूलें और दुरूद पाक पढ़ना छोड़ें। तो दोस्तों, दुरूद शरीफ जो हो एक ऐसी इबादत है जो आप चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते किचन में खाना पकाते हुए गर्ज किसी वक्त भी अदा कर सकते हैं। बल्कि तमाम ख़वातीन को मेरा मुखलिसाना और दोस्ताना मशवरा है, फ्रेंडली मशवरा है ये कि आप जब भी खाना बनाने के लिए किचन में जाएं तो लाजमी दुरूद पाक पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह ताला खाने में बरकत भी होगी और वह टेस्टी भी होगा। ये हमारा आजमूदा है, ये कभी खाना कम नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी बहन दी गज़ाला, अल्लाह ताला तबारक व ताला इनकी मग़फ़िरत करे और इनके दर्जात बुलंद करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वो खाना बहुत मज़े का बनाती थी। तो जैसे हम एक दूसरे से टिप्स शेयर कर रहे होते हैं ना कि गज़ाला तुमने इसमें क्या किया ऐसा जो खाना बहुत मज़े का बनाया, वो भी मुझसे पूछती थी कि आई जी तुमने क्या किया इसके अंदर, क्या खाना कैसे मज़े का बना। तो मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, तो मैंने बोला गज़ाला तुमने ये बहुत मज़े का खाना बनाया तो किस तरह कैसे बनाया तुमने, इसके अंदर क्या स्पेशलिटी की है, क्या स्पेशलिटी यूज़ की है जो खाना तुम्हारा बहुत टेस्टी बना है। तो उन्होंने बोला कि मैं जो ना आई जी मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मैं दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, तो मेरा खाना बहुत मज़े का बनता है। उससे पहले मैं दुरूद पाक नहीं पढ़ती थी खाने पर ना, तो उसके बाद से फिर मैंने भी अपना ये मामूल बना लिया कि मैं जब किचन में जाती हूँ तो दुरूद पाक अपना पढ़ती रहती हूँ, नाते वगैरह पढ़ती रहती हूँ, अपना खाना ना बनाती रहती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 करम उस मालिक का कि खाना अच्छा भी बनता है। अल्लाह का शुक्र है करम उस मालिक का, और अल्लाह का शुक्र है कि बरकत भी होती है उसके अंदर। तो दोस्तों, दुरूद पाक की बरकत से इसके अलावा भी आप जहाँ भी जिस जगह भी और जिस मकसद के लिए भी इसको दुरूद पाक को पढ़ें इसका नजराना भेजकर दुआ करें, तो मेरा तो ये ईमान है कि वो मकसद इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर पूरा होगा और वो दुआ आपकी ज़रूर मकबूल मंजूर होगी। कहते हैं ना कि जिस दुआ के कोई दुआ मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके अव्वल और आखिर में दुरूद पाक नहीं हो।
हमने तो यही सुना है कि जब भी आप कोई दुआ करें तो सबसे पहले दुआ पढ़ें या दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद दुआ करें अल्लाह ताला से, उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। दुरूद पाक पढ़ने का बेहतरीन तरीक़ा मैंने भी फेसबुक पर पढ़ा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फरमाया करते थे कि जब दुरूद पाक पढ़ो तो ये सोचो कि मैं रोज़ा मुबारक के सामने हूँ और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अनवार की बारिश हो रही है, इसके कुछ छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं। तो इस तसव्वुर से अगर आप दुरूद पाक पढ़ें तो देखें फिर कैसा मज़ा आता है। दुरूद शरीफ तो एक ऐसी इबादत है कि जिसमें मुँह से बैक वक्त अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी निकले और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी निकले। तो देखिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिस इबादत में जमा हो जाएं, इस इबादत का क्या कहना, अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह के रसूल भी राज़ी। सल्लल्लाहु अला सैयदना मुहम्मद व आलिही व बारक वसल्लम जज़ल्लाहु ताला अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। और दोस्तों, कभी यूं भी अपने रब का शुक्र अदा कर लिया करें, ऐसी बिला वजह बैठे बैठे न जाने कितने दुख कितने ख़तरात आपके पास से आने से पहले से पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छूकर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियाँ बिना मांगे आपके कदमों को दी जाती हैं और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। बाद बाद हमें पता भी नहीं चलता कि कितनी बलाएँ, कितने ख़तरात, कितनी परेशानियाँ, कितने वो हमारे पास से छूके में गुजर जाती हैं, हमें पता भी चलता है। हमारा प्यारा रब, हमारा मेहरबान रब हमें लम्हा लम्हा बचा रहा होता है, हमें लम्हा लम्हा आफियत अता करता होता है। तो दोस्तों, चलते फिरते दुरूद पाक के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते रहें। अगर तुम थक भी जाओ तो कभी मायूस मत होना, खुदा से गुफ्तगू करना, सफ़र की जस्तजू करना, ये अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मुकद्दर को बुरा समझोगे तो ये सो भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो, वफा का सिलसिला रखो, जिसे खालिक समझते हो बस इससे राबता रखो, जिसे खालिक समझते हो बस इससे राबता रखो, जिसे खालिक समझते हो बस इससे राबता रखो। या अल्लाह, हम भी बस हैं, हमारी मदद फरमा, हमें अपनी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने इन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तू बेइंतहा राज़ी है। या रब्बुल इज़्ज़त, हमें अपने चुने हुए नेक बंदों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है, हमें अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता फरमा, हमें हर बीमारी से शिफा अता फरमा, हमें हिदायत अता फरमा, हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, हमें बख्श दे हमारे मेहरबान रब, हमें बख्श दे, हमें बख्श दे, हमें बख्श दे, बेशक तू नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, या हन्नान या मन्नान, बेशक तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है, हमें अपने गज़ब से बचा और अपनी रहमत से नवाज दे, हमें हमारी औलाद को बख्श दे, हम पर रहम व करम का मामला फरमा, हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हम सबको दीन और दुनिया की आफियत अता फरमा, दीन और दुनिया के शर से बचा, हमेशा हमसे राज़ी रहे हमारे मालिक व मौला, हमेशा हमसे राज़ी रहे मेरे पाक परवरदिगार, हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा कर, अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत अता कर। या रब्बुल इज़्ज़त, आमीन सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। जुमा मुबारक।